यहाँ पे सबसे पहले आया युवाई एक ऐसे प्लान के साथ जहाँ पे वो प्लान कर रहे थे कि वो अपने किरण 985 में एक 5G मॉडेम चिप को साथ में लगाएंगे और लेके आएंगे और ये काफी ज्यादा स्पेस बचाएगा। तो यहाँ पे इसे यूएसए के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया, एज इन ब्लॉक ये किसी और रीजन से हुआ, लेकिन ये काफी इनोवेटिव चीज लेके आ रहा था। और उसके बाद युवाई की यहाँ से सपोर्ट हटती गई, हर कंपनीज अपने तरफ हटती गई क्योंकि वो यूएसए में रजिस्टर्ड थी और यूएसए की कोई भी कंपनी उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकती थी। यही सुन के क्वालकॉम ने भी अनाउंस किया था कि वो लेके आएंगे एक ऐसा चिप, लेकिन वो थोड़े लेट थे और यहाँ पे सबसे पहले इस चीज को उठाने वाला युवाई था। फिर यहाँ पे जब क्वालकॉम लेके आ रहे हैं तो भैया इंटेल ने अपने हाथ खींच लिए कि नहीं भैया हम नहीं काम करेंगे 5G चिप्स पे। तो ये एक रीजन बना कि लेनोवो ने क्वालकॉम को चुना अपनी 5G लैपटॉप के लिए और अब यहाँ पे इस रेस में कूद गए हैं मीडियाटेक भी, क्योंकि आप जानते हो जो प्रोसेसर्स का मार्केट है ना, यहाँ पे चार कंपनीज की बहुत तगड़ी अभी चल रही है। मैं इसे पांच कंपनी बोलता लेकिन मैं इसे चार ही बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे जो युवाई का किरण है वो थोड़ा सा साइड हो चुका है और यहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो रही है अगर ये यूएसए में ऐसे ही बैन रहा तो। तो यहाँ पे मेनली जो चार कंपनीज है ना, स्नैपड्रैगन जो है क्वालकॉम का, मीडियाटेक का जो प्रोसेसर्स होते हैं, और यहाँ पे इंटेल और एएमडी है। तो एएमडी तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो अभी लैपटॉप के मार्केट में ही बहुत लेट आया है, एज इन चीज बहुत कमाल की लाया है, लेकिन अभी उसने इंटेल की बराबरी कर ली है और इंटेल से ज्यादा एडवांस निकल गया है यहाँ पे, लेकिन वो कहीं ना कहीं लैपटॉप और डेस्कटॉप पे ही अटके हुए हैं। तो यहाँ पे एक जो कंपनी है मेनली वो क्वालकॉम है जो कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन और लैपटॉप में भी घुस रही थी, और अब इसके साथ साथ यहाँ पे मीडियाटेक भी थोड़े इम्प्रूवमेंट्स कर रहा था कि वो किसी तरह अपने परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर सके। तो यहाँ पे मीडियाटेक ने 2018 तक लाया अपना हीलियो जो सीरीज लाए, वो काफी कमाल का था और काफी सारे फोन्स में उन्हें यूज किया गया। तो यहाँ पे भी अब मीडियाटेक आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे अब वो भी लाएंगे एक ऐसा 5G चिप जहाँ पे आपको प्रोसेसर के साथ 5G चिप मिलेगा। तो ये कमाल का बात है क्योंकि जितनी ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ेगी उतनी अच्छी आउटपुट पे लोग ध्यान देंगे और उतने कम प्राइस पे चीजें आएंगी। सो यहाँ पे मीडियाटेक लेके आने वाला है अपना एक 7 नैनोमीटर पे चिप जहाँ पे आपको आर्म कॉर्टेक्स A77 का आर्किटेक्चर पे देखने को मिलेगा, माली G77 का GPU भी इसी में एम्बेडेड होगा। तो ये एक बहुत ही कमाल का टेक्नोलॉजी आने वाला है और एक बहुत ही कमाल का आर्किटेक्चर निकल के यहाँ पे आ रहा है। और फिर इसी में वो एक 5G मॉडेम भी लगा रहे हैं और फिर इसी पैकेज को मिला जुला के बोल रहे हैं कि ये तो भैया हमने बना दिया है एक APU टेक्नोलॉजी जहाँ पे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो फिर ये तो चीज आते ही पता चलेगी कि ये क्या चीज है जब ये किसी डिवाइस में लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हीलियो पे भी काफी बड़े बड़े बातें की गई थी। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो खराब है, लेकिन वो उतना भी अच्छा नहीं है जितना उसे दिखाया जा रहा था। तो आपका क्या सोचना है इस कंपनी मीडियाटेक के बारे में और आपका क्या सोचना है इस नए आर्किटेक्चर के बारे में जहां पे सब प्रोसेसर में ही 5G मॉडेम घुसाते जा रहे हैं? इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा अपने ओपिनियंस और अपनी सोच। तो फिलहाल के इस वीडियो में नहीं दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिसकी मदद से आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे।